बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी हया खान फ्रॉम premed.pk। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का लेक्चर हमारा लॉजिकल रीजनिंग के बारे में है। एक बहुत ही जनरल एंड बहुत ही ब्रीफ सा लेक्चर होने वाला है, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके टेस्ट से कुछ दिन पहले आपको एक प्रॉपर रिवीजन करा दी जाए लॉजिकल रीजनिंग के तमाम टॉपिक्स के, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स की। और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हर टॉपिक के प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि टेस्ट में आप लोगों को एक दफ़ा से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स याद रहें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग को आगे प्रोसीड करने से पहले हम सबको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली होता क्या है। अभी तक मुझे बच्चे जब MCQ सेंड करते हैं तो मोस्टली इस बात से मतलब अनअवेयर है कि व्हाट इज़ बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग और इसके अंदर जो हमने आंसर्स निकालने हैं वो किस तरीके से निकालने हैं। तो बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग हमारी थिंकिंग की एक फॉर्म है जो किसके गिर्द घूमती है, जो हमारी प्रेमिसेस के गिर्द घूमती है। बच्चे, प्रेमिसेस क्या होता है? प्रेमिसेस वो सेट ऑफ डेटा होता है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पिछले स्टेटमेंट में, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में दी गई होती है। हमें अपने लॉजिकल रीजनिंग के आंसर्स को उन्हीं प्रेमिसेस के थ्रू में सॉल्व करना है। ठीक है, हमें उन्हीं प्रेमिसेस के गिर्द घूमना है। उन प्रेमिसेस का आपस में रिलेशन, उन प्रेमिसेस का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, अलग में वो कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सप्लिसिटली दे रहा है, इम्प्लिसिटली दे रहा है, ये सारी चीज़ें हमें उधर से ही जज करनी है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है थिंकिंग का जिसमें हमें प्रेमिसेस का रिलेशन एक दूसरे के साथ और प्रेमिसेस के थ्रू इन्फर करने होते हैं कंक्लूजन्स को और डिडक्शंस को। ठीक है, और ये डिडक्शंस और ये कंक्लूजन्स मैंने जैसे आपको बताया हमारे प्रेमिसेस पर ही डिपेंड करती है और इनके रिलेशन पर। बच्चों, जो PMDC ने हमें टॉपिक्स दिए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो 8 टॉपिक्स हैं। और 8 टॉपिक्स में छह टॉपिक्स में पहला टॉपिक होता है लेटर एंड सिंबल सीरीज का, दूसरा टॉपिक होता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, ठीक है, यानी दूसरा टॉपिक है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, तीसरा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट का, चौथा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग का, पांचवा है कोर्स ऑफ एक्शन का और छठा है लॉजिकल डिडक्शन का। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, बट इन सब का जो मेन एंड कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्रेमिसेस दी जाती हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है और उसी क्वेश्चन से गिर्द हमने अपने ऑप्शंस को देखना है और राइट ऑप्शन तक अप्रोच करना है। बच्चों, जनरल टिप्स आपको कुछ दे देती हूँ कि ऑल ओवर द लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि एक तो आप लोगों ने काम एंड फोकस रहना है। ठीक है, ये जब आप लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन तक अपने टेस्ट में पहुँचते हैं ना, तो हर टेस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को मोस्टली एंड पर रखा गया है, पेपर के एंड पर। तो पेपर के एंड पर रखने की वजह से एक तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है, जिसकी वजह से बच्चे इसको मुश्किल कंसिडर करते हैं, बट ये मुश्किल नहीं है। इसके अंदर आसान करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक आपने काम रहना है और एक आपने फोकस्ड रहना है। ये जब आप काम एंड फोकस रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट की तरफ लीड करेगा। लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं तो मतलब उतना ही आसान उसके अंदर आंसर छुपा हुआ है। नीड किस चीज़ की है? कंसंट्रेशन की एंड फोकस की। सेकेंड टिप क्या रखनी है आपने जहन में कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर आपको एक दफ़ा पढ़ने से सवाल की समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा दोबारा उसको पढ़ लें, बट तीसरे ही टिप को अगर आप देखें तो मैनेज योर टाइम। अब आपने ये नहीं करना कि 10 दफ़ा सवाल को रीड करने बैठ जाना है, नहीं, क्योंकि आपका टेस्ट टाइम रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट है, आपके हर क्वेश्चन का टाइम है। ठीक है, तो आपने एक दफ़ा रीड कर लिया, आप दोबारा रीड कर लें, बट मोर देन 2 टाइम्स एक सवाल को रीड करना और फिर उसके ऑप्शंस को पढ़ना इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि ये आपके बाकी क्वेश्चंस के टाइम को ले लेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 दफ़ा पढ़ने के बाद अगर सवाल की समझ नहीं आती तो आपने उस सवाल को छोड़कर नेक्स्ट पर चले जाना है। और इस तरह अक्सर औकात साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारा माइंड उस पर थोड़ी देर के लिए वर्किंग करता ही रहता है जिस सवाल को हमने छोड़ा है, और हम जब दूसरा सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो उस सवाल पर दोबारा आने से हमें आंसर मिल जाता है। अब बच्चों, चौथी टिप क्या है कि यूज डायग्राम्स एंड विजुअल एड्स। अब एक बहुत लेंथी स्टेटमेंट अगर आपको सवाल की है तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट से जब आप रीडिंग करना शुरू करो स्टेटमेंट की,
तो रीड करते ही साथ साथ अपना डाटा विजुअल फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में या साइंस की फॉर्म में अलग साइड पर लिखते जाओ, कि जब आप अपनी 6-7 लाइन की स्टेटमेंट के एंड पर पहुंचो तो आपने अपना सारा डाटा अपने पास किसी डायग्राम फॉर्म में, किसी मतलब डाटा फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया हो, ताकि आपको दोबारा टाइम रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट में उन 6 लाइन स्टेटमेंट को ना पढ़ना पड़े और आपका वो जो डाटा जो आपने डाटा फॉर्म में लिखा है उसको ग्रैप करने में और ऑप्शंस को सेलेक्ट करने में आसानी हो। अब आइडेंटिफाई द पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर एंड नंबर सीरीज के अंदर स्पेशली, कि पैटर्न को आपने जज कर लेना है। जब एक दफ़ा आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि इस चीज़ के अंदर ये पैटर्न चल रहा है मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, प्लस का, माइनस का, तो फिर उसी पैटर्न से आगे आपको या तो मिसिंग पूछा जाता है या पूछा जाता है कि इससे पहले क्या आएगा, इससे बाद में क्या आएगा। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पैटर्न आप जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर लो। एनालाइज ऑप्शंस केयरफुली। देखिए बच्चों, ऑप्शंस की पहचान होना और ऑप्शंस को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को ऑप्शंस का पता ही नहीं होता कि हमारे ऑप्शंस बेसिकली किस बारे में। अब अगर आइदर वन और आइदर टू का ऑप्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बल्कि मतलब ये है या वन और या टू करेक्ट है। केस वन ठीक होगा तो टू होगा, और अगर टू ठीक होगा तो वन नहीं ठीक होगा, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो इन सब के ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आगे अगली टिप है कि बी ऑन लॉजिक एंड कॉमन सेंस। तो बच्चों, जब भी आपने लॉजिकल रीजनिंग के किसी भी पार्ट के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं पेपर में, तो आप लोगों ने लॉजिक पे रहना है, ठीक है। अब लॉजिक से मुराद क्या है और कॉमन सेंस से मुराद क्या है, कि आपने उस वक्त एक पर्सन होकर नहीं, बल्कि एक अगर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन से या हम कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन से, तो आपने उस प्रॉब्लम के लिए जब कोर्स ऑफ एक्शन देनी है तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन और एक डिपार्टमेंट या एक मतलब एक इदारे की तरह सोचना है। उसका आंसर आप लोगों ने इस तरह देना है, इस तरह कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करनी है जो कि प्रॉपरली मतलब लॉजिकली बेस्ड हो, कॉमन सेंस बेस्ड हो, ना कि आप उधर सुपर नेचुरल्स और किसी ड्रामेटिक चीज़ों को इंटर करके अपना कोर्स ऑफ एक्शन गलत सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आ जाता है कि वर्क बैकवर्ड्स। वर्क बैकवर्ड्स वाली टिप का मतलब क्या है कि अक्सर औकात हमारे आंसर्स हमारी स्टेटमेंट के बजाय हमारे ऑप्शंस में, यानी जो हमें या तो कंक्लूजन के ऑप्शंस है, अजम्पशंस की ऑप्शंस है, कोर्स ऑफ एक्शंस की ऑप्शंस है, उनमें छुपे होते हैं। तो समटाइम्स आप अगर स्टेटमेंट को पढ़े, आपको कुछ समझना है तो ऑप्शंस को भी पढ़ लें, दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़े, अक्सर औकात वर्क बैकवर्ड करने से आपको आंसर जल्दी मिल जाता है। एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन। बच्चों, एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो क्लियर कट और डायरेक्टली हमें मेंशन नहीं की होती स्टेटमेंट में, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से वो इन्फॉर्मेशन उधर होती है, तो आप लोगों ने उसको ध्यान में रखना है ज़रूर। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करेंगे तो गलत चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे, मोस्ट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे चीज़ों को। तो इट्स बेटर कि आप सरफेस पर रहें, ठीक है, लॉजिकली सोचें, ठीक है, और कॉमन सेंस बेस्ड सोचें। यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। देखिए बच्चों, एलिमिनेशन का प्रोसेस सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग नहीं, बल्कि ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टूल समझा जाता है। जब आपने स्टेटमेंट को पढ़ा और उस स्टेटमेंट से पहली ऑप्शन आपको लग रही है कि बिल्कुल ही वेरी कर रही है, बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो ये बेहतर है कि आप जब उसके लिए दूसरा ऑप्शन देखो, ठीक है, और अपना आंसर रिव्यू करो, तो आप उस चीज़ को ना देखो, क्योंकि उसने आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। आप अपना टाइम बचाओ और वो ऑप्शन जो आपको सही लग रहे हैं उनमें सोचो, ठीक है। और बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के नेगेटिव वर्ड्स यानी नेगेटिव वर्डिंग जो होती है उससे आपने माइंडफुल रहना है। एक्सेप्ट और नॉट जब सेंटेंस में आ जाता है तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग उल्टा हो जाता है, ठीक है। अक्सर औकात बच्चे इन चीज़ों और पॉजिटिव ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पॉजिटिव ऑप्शन पर आपने नहीं जाना जब आपको ये चीज़ें दी गई हों, और आपने उसके नेगेटिव में जाना होता है, आपके स्टेटमेंट ओपोजिट हो जाता है एक्सेप्ट एंड नॉट लगाने के बाद। तो सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने ध्यान से पढ़ना है जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। अब सबसे पहले बच्चों, हम अपने लेटर एंड सिंबल सीरीज पर आ जाते हैं। हमारे लेटर एंड सिंबल सीरीज में से आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको नंबर सीरीज दे दी जाती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक नंबर भी होते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉन वर्बल सीरीज भी दे दी जाती है जिसमें किसी वर्ड्स का जिक्र नहीं होता, ठीक है, और नंबर सीरीज भी दे दी जाती हैं और सिंबल सीरीज भी दे दी जाती हैं।
तो ये डिफरेंट तरह के सवाल होते हैं जो हमें लेटर एंड सिंबल सीरीज में से आते हैं, जो अब अभी हमने ऊपर जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी हैं, उन सबको हमने जहन में रखना है और हमने इनको सॉल्व करना है। अब अगर आप पहला सवाल देखें तो अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते जाते हैं। आपको कह रहे हैं कि हाउ मेनी रेक्टेंगल एंड हाउ मेनी स्क्वेयर, ठीक है। रेक्टेंगल किस तरह होता है, ऐसे, और स्क्वेयर कैसे होता है, ऐसे। अब हमने फाइंड करना है कि इस डायग्राम में जो हमें गिवन है, ये नॉन वर्बल कैटेगरी का क्वेश्चन है लेटर एंड सिंबल सीरीज में, इसमें कितने हमारे पास जो हैं रेक्टेंगल्स हैं और स्क्वेयर्स हैं। तो बच्चों अगर आपको गौर से आप देखें तो आपको नजर आएगा, मैं आपको एक सरसरी सा दिखाती हूँ, एक, ठीक है, एक, गौर करो तो ये देखना, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच, छ, ठीक है, और ये देखें, सात, और ये आठ, आठ हमारे पास आगे स्क्वेयर्स। अब हम देख लेते हैं अपने रेक्टेंगल्स को। रेक्टेंगल्स आप लोग देखो तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ये रेक्टेंगल एक, ठीक है, और ये दूसरा। इसी तरह इसमें ऐसे भी बने हुए हैं, तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये पूरी एक रेक्टेंगल है, फाइव, ठीक है। और फिर अगर आप लोग देखो तो यहां से यहां तक भी इसके अंदर अलग से एक बन रही है, सिक्स, ठीक है, और यहां से अलग से एक बन रही है, सेवन। तो हमें पता चला कि हमारे पास इसके अंदर सेवन रेक्टेंगल्स हैं। तो एट और सेवन, फिफ्टीन। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, फिफ्टीन, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द नॉन वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। अक्सर औकात आप अपनी डायग्राम को सिंप्लीफाइड करके अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, आपको मिसिंग सीरीज भी पूछी जाती है, ठीक है। अब मिसिंग सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपको एंड पर ही हमेशा सीरीज पूछी जाए कि कौन सी मिसिंग है, मिड पर भी हो सकती है, स्टार्ट पर भी हो सकती है। तो मिसिंग सीरीज के लिए जैसे आपको मैंने बताया कि एक पैटर्न आपने चेक करना है कि स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसके अंदर कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो हम देख लेते हैं, पहले हमें वन गिवन है, फिर सेवन है, फिर थ्री है, फिर नाइन है, फिर सिक्स है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 15 है, और फिर यहाँ पे हमने फाइंड करना है। तो अब आप लोग देखें, ठीक है, तो 1 से 7 के दरमियान गैप ज्यादा आ रहा है और 1 से 3 के दरमियान गैप कम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 3 से 9 के दरमियान गैप ज्यादा है और 3 से 6 के दरमियान गैप समहाउ कम है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं देख लेती हूँ कि क्या पता जो मैं सोच रही हूँ पैटर्न वो ठीक हो। 1 से 3 तक अगर मैंने देखा तो मैंने प्लस 2 किया, ठीक है। 3 से 6 की तरफ देखा तो प्लस 3 किया, 6 से 10 की तरफ देखा तो प्लस 4 करके आंसर आ गया, और अगर 6 में मैंने प्लस 5 किया तो मेरे पास तो आंसर ठीक आ गया। वाओ, मतलब कि प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 की एक पैटर्न चल रही है यहाँ पर। अब मैंने देखा कि मेरी दूसरी वाली पैटर्न भी क्या है, 7 में से 7 और 9 के अंदर 2 प्लस करो तो 9 आ जाता है, 9 के अंदर 3 प्लस करो तो 12 आ जाता है, और इसी तरह अगर आप 12 के अंदर 4 प्लस करो तो 16, और इसी तरह जो मिसिंग कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप प्लस 5 ऐड करोगे अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आपके पास 21 आंसर आ जाएगा। आपके पास 21 आंसर आ जाएगा। हमें क्या पता चला कि हमारी स्टेट के अंदर जो पैटर्न चल रहा था वो कुछ ऐसा था कि एक का तीसरे के साथ और दूसरे का चौथे के साथ एक रिलेशन चल रहा था, और हमें अपनी जो सही मिसिंग आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल आसानी से मिल गई। तो बच्चों आपको इस तरीके से एक रिलेशन क्रिएट करना है क्वेश्चन के अंदर जो आपको गिवन है, एक पैटर्न क्रिएट करना है स्पेशली न्यूमेरिकल सीरीज में, फिर आपको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर थ्री,
बच्चों इस सवाल में मैं आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल बताऊंगी कि किस तरह इलिमिनेशन टूल को हम यूज करते हैं। सवाल देखिए, आप लोग आपको कह रही हैं कि जब माइनस का मतलब है प्लस एंड प्लस मींस माइनस, मल्टीप्लाई मींस डिवाइड एंड डिवाइड मींस मल्टीप्लाई, तो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे पहले आप पहले ऑप्शन को देखो, ठीक है? आपको नजर आएगा कि 10 प्लस 5 है, तो मैं इसको साथ साथ ही लिख देती हूँ कि माइनस 5, मतलब मैं अपने इन्वर्जन साइंस को ना साथ साथ यूज कर लेती हूँ। 10 माइनस 5 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 15। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करती हूँ कि अपने डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको डिनोमिनेटर में कर लेती हूँ, ताकि कटिंग करके मेरे पास आंसर इजीली आ जाए। 5 2 10 और 5 3 15। तो अब मेरे पास ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी बनी। तो बच्चों मुझे एक चीज पता चली कि जब मैं इसको 2/3 को डिवाइड करती हूँ, 2/3 को, तो मेरे पास क्या आता है, एक डेसिमल में आंसर आता है। ठीक है, 2/3 को जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास एक डेसिमल में आंसर आता है। अगर एक एक भी क्वांटिटी का आंसर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, तो आगे ये सब में जब साथ रिलेशन फाइंड करूंगी आंसर टोटल, तो वो डेसिमल में आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आंसर में कोई डेसिमल नहीं है, तो मींस मेरा ये ऑप्शन तो गलत है। इसी तरह 10 डिवाइडेड बाय 15 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 है, तो जब मैं इन्वर्जन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 15, जो कि सेम ऊपर वाले सवाल की तरह डेसिमल में आंसर देगा, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 15 है, तो मतलब 10 डिवाइडेड बाय 15 बन जाएगा जब मैं इन्वर्ट करूँगी, और फिर से मेरे पास आंसर डेसिमल में आएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ आंसर 162 है। तो मुझे इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब मैंने अपने पहले ऑप्शन से ये चीज डिड्यूस कर ली कि जब इसको डिवाइड करते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डेसिमल में आ रहा है, इसलिए मैं नहीं ले रही। तो मेरे पास अब ये तीन ऑप्शन तो ऐसे निकल गए कि इनमें ये चीज सेम आ रही थी। अब फोर्थ ऑप्शन मैंने देखा तो वहां पर 10 डिवाइडेड बाय 15 नहीं है, बल्कि 10 प्लस 15 है, जो इन्वर्ट होकर 10 माइनस 15 आएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 10 मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और माइनस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि अपनी आसानी के लिए मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ, ठीक है, बाकी इक्वेशन मेरी उसी तरह रहेगी। अब यहाँ पर एक बचपन में आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, डी मैस रूल, बॉर्ड मैस जिसको कहते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर डी मैस बोला जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। ये एक मैथ का रूल है अलजेब्रा के अंदर, डी मैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले डिवाइड था, तो मैंने डिवाइड को अपना मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 6 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 15, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं अपने डी मैस रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं है, तो सबसे पहले आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 1 6 आ गया, प्लस 4 4 10 40 और माइनस 15। अब अगला डी मैस रूल के अकॉर्डिंग प्लस आता है पहले, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 46 माइनस 15। जब 46 में से 15 को माइनस किया जाता है तो 31 ऑप्शन आता है, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों देखिए, हर एक ऑप्शन को अलग तरीके से सॉल्व करने के बजाय मैंने जब पहले से ये चीज इन्फर कर ली कि 10 डिवाइडेड बाय 15 जब मैं करूंगी तो आंसर डेसिमल में आएगा, यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड 15 था, यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड 15 था, तो मैंने अपने इन ऑप्शन को एलिमिनेट किया और अपने करेक्ट ऑप्शन की तरफ अप्रोच करके ऑप्शन डेल्टा मेरा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि इफ ऑल द डिजिट्स विद इन द नंबर, कि ये ऑल डिजिट्स है हर नंबर के, इनको मल्टीप्लाई किया जाए एक दूसरे से, तो हाउ मेनी फॉर्म्ड विल बी लेस देन 200, तो कितने नंबर ऐसे होंगे जिनके आंसर लेस देन 200 होंगे। तो बच्चों आप लोग करना शुरू करो, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले का, ठीक है, इनके डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 14 और 14 9 क्या होता है, 9 4 36, 9 1 9 10 11 12 126, तो मींस के बिल्कुल
एक क्वांटिटी का तो हमारे पास लेस देन 200 आ रहा है। अब अगले का चेक करो, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, 3 8 जर 24 और 24 9 जर 9 जर 36, 9 2 जर 18, 19 20 21, तो इसका आ रहा है 216, इसका था 116, ठीक है। आगे हमारे पास 8 9 5, ठीक है, 5 9 जर 40, 40 8 जर 8 0 जर 0 और 8 जर 32, तो मतलब 320 आ रहा है। इसका भी ऑप्शन गलत आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसका भी नहीं आ रहा ऑप्शन। 863 को करके देखो, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 36 जर 18 और 18 8 जर 8, 8 जर 64, 8 1 जर 8, 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है, 144 आ रहा है आंसर। मतलब इस क्वांटिटी का भी हमारे पास लेस देन 200 आ रहा है। 692 का देखो, 6 9 और 2, ठीक है, तो 2 9 जर 18 और 18 6 जर 6, 8 जर 48, 6 1 जर 6 और 108, तो मीन तीसरे का भी हमारे पास 102 200 से कम। अगली का देखो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18, ठीक है, 18 5 5 जर 40, 5 1 जर 5 और 9 90। तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास चार ऑप्शंस ऐसे हैं, चार नंबर्स ऐसे हैं, इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर लेस देन 200 आ रहा है। तो बच्चों, इस तरह के सवालात भी आपको ये लेटर एंड सिंबल सीरीज में दिए जाते हैं, ठीक हो गया। तो आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है एक नॉन वर्बल सीरीज से, ठीक है। आपने लुक केयरफुली एट द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स टू फाइंड द पैटर्न, सेलेक्ट करेक्ट पैटर्न, ठीक है। अब इस तरह के ये सवाल आपको क्या दिया गया है, पहला पैटर्न के पहले सर्कल है, सर्कल के ऊपर इस तरह का एक सिंबल है और सर्कल के नीचे इस तरीके से ट्राइंगल बना है। इसको आगे फॉलो किया है कुछ ऐसे शेप ने, ठीक है, फिर इस ट्राइंगल को उल्टा करके बनाया है, इसको इसके अंदर एम्बेड करके थोड़ा करके बनाया। तो मुझे पता चला कि ये जो मिड वाला शेप था, ये चला गया बाहर बाउंड्री पे, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर ही रहा, अंदर आ गया और नीचे वाला कर इन्वर्टेड फॉर्म में आ गया। अब मुझे इन्होंने दिया है कुछ ऐसा शेप और मुझे कह रहे हैं कि आप इसका आगे बताएं पैटर्न। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे ऊपर से पता चला कि मिड वाला ऑप्शन बाहर है, ठीक है, मिड वाला ऑप्शन बाहर होने के बाद ये वाला जो है इसको इन्वर्ट करके बना दूं तो ये सेम इसी तरह ही रहेगा जब मैं इसको इन्वर्ट करूंगी, ठीक है। और जब मैं इसको इसके अंदर एम्बेड करूंगी तो एम्बेड करने से मेरे पास ऑप्शन कैसे आएगा, ऐसे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली चीज को उन्होंने थोड़ा सा इस अंडर वाले दूसरे सिंबल के अंदर एम्बेड करके बनाया, तो मैं इसको इस तरह एम्बेड करके बना दूंगी। तो मुझे पता चला कि मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है और बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करना है। अब आपको एक हद तक लेटर एंड सिंबल सीरीज की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। हर एक सवाल में आप देखोगे कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पिछले का अगले से, तो इसका आगे आने वाले से पैटर्न होगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा काम रहना है, रिलैक्स रहना है, क्योंकि काम एंड रिलैक्स होना लॉजिकल रीजनिंग की है जो आपको सक्सेस और लीडिंग की तरफ लेकर जाएगी, ठीक हो गया बच्चों। अब हम अपने चलते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए बच्चों, लॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है ना हमारा टॉपिक, वो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन मैं फिर यहाँ पर ऐसे कहूंगी कि आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन होना, ठीक है, और अपने स्टेटमेंट्स के साथ जुड़े रहना, उन्हीं को एक्सेप्ट करना, उन्हीं को रियल मानना और उन्हीं से आगे डिडक्शन करना, यानी ये जो प्रेमिसेस है हमारी, स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं से ही आगे हमने कंक्लूजन इन्फर करनी है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्टेटमेंट्स को बिल्कुल करेक्ट मानकर चलें और लॉजिकली सोचें, ठीक है, और प्रॉपर सोचें और ओवरथिंकिंग को अवॉइड करें। अब हमारा पहला हमें स्टेटमेंट गिवन है, ऑल एप्पल्स आर बनानास, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर बनानास। तो अब मुझे पता चला कि मैं अपना बनाना के लिए एक सर्कल बना रही हूँ ब्लू से, ठीक है, ये मेरा बनाना वाला सर्कल है। बच्चों, इस तरह के सवाल में ना अपने वेन डायग्राम्स को जहन में रखना है, ठीक है। अब वेन डायग्राम्स क्या होती हैं कि वेन डायग्राम ना इस तरह के सर्कल्स की फॉर्म में, स्क्वायर्स की फॉर्म में एक मतलब सॉल्यूशन
ये सवाल की जो हमें इजी आंसर देती है। अब जितने भी मैं इन इस तरह के लॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आगे सॉल्व करूंगी ना, तो आप मुझे देखोगे कि मैं वेन डायग्राम्स के थ्रू ही सॉल्व करूंगी। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम हमें इजी वे प्रोवाइड करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप देखें, मैंने बनाना ले लिया अपना एक सर्कल, ठीक है, और मुझे उन्होंने क्वेश्चन में कहा है उन्हें मुझे फिर कहा है कि ऑल एप्पल्स आर बनानास, ठीक है, मतलब सारे के सारे एप्पल्स जो है ना वो बनानास है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो एप्पल्स है ना वो यहाँ अंदर बना दिया इस तरीके से, और इस चीज से मुझे पता चला कि ये जो एप्पल्स है मेरे सारे ये बनानास है, ठीक है, बनानास की पूरी सर्कल में अंदर पूरे आ गए ना सारे के सारे एप्पल्स। तो ये चीज क्लियर हो गई कि ऑल एप्पल्स आर बनानास। अब आगे है नो बनाना इज मैंगो, कोई भी बनाना मैंगो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अलग से बनाना मैंगो बना दिया इस तरह करके, ठीक है, क्योंकि मेरा बनाना से और मैंगो का आपस में वो कह रहे हैं कोई रिलेशन नहीं है। अब वो मुझे कह रहा है अगला, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, ठीक है, वो मुझे कह रहे हैं कुछ मैंगोज जो है ना एक हद तक वो ऑरेंजेस हैं। तो मैं मैंगोज का कुछ हिस्सा ऑरेंजेस में रख देती हूँ, ठीक है। अब आप गौर करें, उन्होंने मुझे कहा था ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो आप इस सर्कल को अगर गौर से देखो तो सारे के सारे एप्पल्स जो हैं वो बनानास हैं, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा नो बनाना इज मैंगो, तो मेरा मैंगो का और बनाना का कोई रिलेशन नहीं है, आप देख सकते हैं सर्कल का कोई पार्ट कनेक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह फिर कहा सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो ये देखिए सम मैंगोज को मैंने ऑरेंज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब कंक्लूजन पे आ जाओ, अब मैं इस स्टेटमेंट्स को नहीं देखूंगी बल्कि मैं अपनी इस वेन डायग्राम के अंदर जो मैंने अपनी स्टेटमेंट बना ली इसको देख के अपने कंक्लूजन देखना कितनी आसानी से इंशाल्लाह ताला सॉल्व करूंगी। तो अब देखें, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, ठीक है, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास। अब आप गौर करें, ऑरेंजेस जो हैं, ठीक है, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, तो बिल्कुल बनानास का और ऑरेंजेस का तो कहीं पर कोई जिक्र आपस में है ही नहीं, तो ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास बिल्कुल, ठीक है, कि तमाम के तमाम ऑरेंजेस बनानास नहीं हो सकते, ठीक है। फिर अगर आगे आप बात करो सम मैंगो, देखो बच्चों ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास, लेकिन हमें उन्होंने कहा कि सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, ठीक है, कुछ मैंगोज ऑरेंजेस हैं और कोई भी बनाना मैंगो नहीं है। तो हमें ये पता चला कि कुछ ऑरेंजेस जो यहाँ पर मैंगो की फॉर्म में आएंगे ना वो बनाना नहीं हो सकते, लेकिन जो बाकी ऑरेंजेस हैं, ठीक है, वो बनाना हो भी सकते हैं, एक हद तक ये बात ठीक नहीं भी है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, अगर हम गौर करें तो सम मैंगोज आर एप्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कोई मैंगो एप्पल के कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी बनानास की स्टेटमेंट भी हमें गलत है, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा जनरली डिड्यूस नहीं कर सकते। उन्होंने हमें कहा है कि नो बनाना इज मैंगो, कोई बनाना मैंगो नहीं है, ठीक है, और फिर कुछ मैंगोज ऑरेंजेस हैं। तो अगर कोई बनाना मैंगो नहीं है तो जो कुछ ऑरेंजेस मैंगो के अंदर आ रहे हैं वो बनाना नहीं होंगे, लेकिन ऑल ऑरेंजेस बनाना नहीं होंगे ये स्टेटमेंट गलत है। हो सकता है कि जो बाकी के ऑरेंजेस हैं वो उसमें से हो, ये हमें क्लियर नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें ये पता चले कि नाइदर वन फॉलो एंड नाइदर टू फॉलो। अब अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर टू देखें तो क्वेश्चन नंबर टू कुछ ऐसा है कि सम पेन्स आर ग्लास, ठीक है, एंड ऑल ग्लास आर वॉल, ठीक है। अब मैंने बना दिया अपना एक ये वाला सर्कल जिसको मैंने कह दिया ग्लास, ठीक है। अगला मैं अपना सर्कल बना रही हूँ सम पेन्स आर ग्लास, कि मेरे कुछ पेन्स जो है ना वो ग्लास के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने ये पेन का सर्कल बनाया और कुछ पेन्स का जो पार्ट था वो मैंने ग्लास के अंदर शेयर करके ये बात प्रूव कर दी कि सम पेन्स आर ग्लास, ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए देखें, अगली है ऑल ग्लास आर वॉल, जितने भी ग्लास है ना वो सारे के सारे वॉल्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपने सारे ग्लास के पोर्शन को वॉल्स के पोर्शन के अंदर ऐड कर ये बात यहाँ पे मैंने प्रूव कर दी कि सारे के सारे ग्लास जो हैं वो वॉल्स हैं, ठीक है। और अब आप गौर करो, जब मैंने सारे के सारे ग्लास को वॉल में रखना है तो मुझे यहाँ पर ये चीज तो पता है कि मेरा पेंस का कुछ एरिया ग्लास के साथ शेयर हो रहा था, ठीक है। अब आप नीचे देखो कंक्लूजन, पहली कंक्लूजन क्या है, सम वॉल आर पेंस, ठीक है, सम वॉल आर पेंस। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वॉल्स का कुछ एरिया पेन के साथ भी शेयरिंग में आ गया, तो हेंस इट प्रूव्ड कि सम पेंस आर, सम वॉल्स आर पेन। आगे आ गया सम वॉल आर ग्लास, सम वॉल आर ग्लास बिल्कुल,
सम वॉल जो हैं वो ग्लास में आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे ग्लास वॉल हैं, और वॉल कुछ हैं जो ग्लास के अंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए सर्कल फुल मेरा ग्लास को कवर नहीं कर रहा, बल्कि सर्कल वॉल के कुछ एरिया, ग्लास का सर्कल वॉल के कुछ एरिया को कवर कर रहा है, जो ये बता रहा है कि सम वॉल आर ग्लास। तो मैं कहूंगी कि यस बोथ ऑफ देम फॉलोज। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरीके से वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम इजीली अपने स्टेटमेंट्स को चेंज करके आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगर अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपको कहा जा रहा है ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस। ठीक है, सारी की सारी क्लॉक्स क्या हैं? वॉचेस हैं। मैंने ये सर्कल बना दिया क्लॉक्स का, ठीक है, और इसके बाहर मैंने एक और सर्कल बनाया जिसको मैंने वॉचेस का नाम दिया, क्योंकि मेरी सारी की सारी क्लॉक्स जो हैं वो वॉच के दायरे में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी है कि ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, सारी की सारी क्लॉक्स जो हैं वो वॉचेस हैं, मतलब वॉचेस के सर्कल के अंदर मेरा क्लॉक का सर्कल पूरा आना चाहिए। फिर वो मुझे कह रहा है कि सम क्लॉक्स आर अलार्म्स, जो कुछ क्लॉक्स है ना वो अलार्म्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ एरिया क्लॉक्स का शेयर करूंगी अलार्म के साथ। ठीक है, जब मैंने कुछ एरिया अलार्म के साथ शेयर किया तो मुझे कंक्लूजन, मेरी कुछ इस तरह से वेन डायग्राम बन गई। अब मेरी कंक्लूजन क्या है कि सम अलार्म आर वॉचेस। अगर आप गौर करो तो अलार्म का कुछ एरिया और वॉच का कुछ एरिया मिल रहा है यहाँ पर, ये तो मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल सम अलार्म आर वॉचेस एंड ऑल वॉचेस आर अलार्म। अगर आप गौर करें, सारे के सारे वॉचेस अलार्म हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ वॉचेस का एरिया है जो अलार्म में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई एंड ओनली यानी कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितने आसान आपको लगेंगे ये सवाल जब आप इनको वेन डायग्राम्स के थ्रू करेंगी। अब हमारे प्री मेट के अंदर तो 58,000 प्लस क्वेश्चन है ना, जब हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं तो हम उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उनको इस तरह के क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पहले लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर हम पेपर से पहले एक प्रॉपर उनको इस तरह से गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो सब कुछ उनको क्लियर हो जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो सम स्टार्स आर मून्स। ठीक है, सम स्टार्स आर मून्स, मैंने क्या किया कि ये मैंने स्टार का लिए सर्कल बना दिया और ये मैंने मून के लिए सर्कल बनाना है, जिसके अंदर मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि सम स्टार्स आर मून्स, कि कुछ स्टार जो हैं वो मून्स हैं। ये देखो कुछ एरिया ही मेरा मून के अंदर आया। ऑल मून्स आर प्लैनेट्स, अब मुझे क्या बोल रहा है कि सारे के सारे मून्स जो है ना वो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मेरे सारे के सारे मून अब प्लैनेट के दायरे के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे मून जो हैं वो प्लैनेट हैं। अब मेरा कंक्लूजन क्या है, एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स। ठीक है, एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार, तो आप देख सकते हैं कि स्टार की कैटेगरी प्लैनेट के साथ भी शेयर हो रही है, तो बिल्कुल। नो मून इज यूनिवर्स, ठीक है, सॉरी एक थर्ड ये स्टेटमेंट मैंने छोड़ दी, नो प्लैनेट इज यूनिवर्स। ठीक है, नो प्लैनेट इज यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल अलग आ रहा है, उसका प्लैनेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आपको पहली कंक्लूजन दी जा रही है कि एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स, तो देखें एटलीस्ट सम प्लैनेट्स आर स्टार्स से ये चीज पता चल रही है कि प्लैनेट और स्टार्स का कुछ एरिया एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्लैनेट्स जो है वो स्टार्स हैं। नो मून इज यूनिवर्स, कोई भी मून यूनिवर्स नहीं है, तो आप देख सकते हैं मून का और यूनिवर्स का कहीं पर कोई एरिया टच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल नो मून इज यूनिवर्स, बिल्कुल ठीक है, बोथ ऑफ देम फॉलोज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बच्चों अगर आप लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, ओनली अ फ्यू मेल्स आर स्मार्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया मेल्स का, ठीक है, और एक सर्कल मैंने बना देना है स्मार्ट का। अब स्मार्ट का सर्कल मैं किस तरीके से बनाऊं, मुझे कह रहे हैं फ्यू मेल्स आर स्मार्ट, मतलब मेल्स का कुछ एरिया आ जाएगा स्मार्ट वाले एरिया के अंदर। फिर वो कह रहे हैं ऑल स्मार्ट आर ग्रेसफुल, ठीक है, जितने भी स्मार्ट है ना वो सारे के सारे ग्रेसफुल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी स्मार्ट वाले एरिया को अपने ग्रेसफुल वाली कैटेगरी के अंदर पूरा का पूरा फिल कर दूंगी। अब आप लोग देखें कंक्लूजन, ऑल ग्रेसफुल कैन बी मेल, ठीक है, ऑल ग्रेसफुल कैन बी मेल, तो आप देख सकते हैं क्या ग्रेसफुल का सारा सर्कल मेल के सारे सर्कल को कवर कर रहा है, नहीं। ठीक है, हमने अपनी प्रेमिसेस के थ्रू आंसर देना है, हमने खुद से नहीं कहना
के मेल सारे के सारे ग्रेसफुल होते हैं, बल्कि हमारी प्रेमिसिस के अकॉर्डिंग ग्रेसफुल का थोड़ा सा एरिया मेल्स के साथ शेयर हो रहा है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को 100% करेक्ट नहीं ले सकते। सम ग्रेसफुल आर स्मार्ट, कुछ ग्रेसफुल जो हैं, ठीक है, वो स्मार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेसफुल के पूरे सर्कल में कुछ एरिया स्मार्ट कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि सम ग्रेसफुल आर स्मार्ट। तो हम कहेंगे कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। तो बच्चों, दिस हाउ यू ऑल हैव टू सॉल्व योर लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने उसको अपने पेपर के अंदर सॉल्व करना है। बच्चों, कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपके टेस्ट के अंदर रखने का मतलब ही ये है कि आपको किसी सिचुएशन में, अगर रियलिटी में भी कोई सिचुएशन आपको, कोई प्रॉब्लम आपको दी जाती है, तो आप उसका सोल्यूशन या आप उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन कैसे लेते हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन बच्चों हमने वो लेना होता है जो हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे, ठीक है, या तो हमारी प्रॉब्लम को फिनिश कर दे, या हमारी प्रॉब्लम को कम कर दे, ठीक है, या हमारी प्रॉब्लम को अगर वो फिनिश और कम नहीं कर रहा, तो हमारी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। हमने हमेशा ऐसी कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करनी है अपने किसी सिचुएशन, अपने किसी प्रॉब्लम, अपने किसी सिनेरियो के लिए। ये चीज़ आप लोग अपने जहनों में बैठा लें, ठीक है, जहनों में ये चीज़ आप अपने जहनों में बैठा लें, हर कोर्स ऑफ एक्शन का मकसद या तो हमारी गिवन स्टेटमेंट में प्रॉब्लम को कम करना होता है या ख़त्म करना होता है, या ये दोनों काम नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट इम्प्रूव हो जाए। किसी भी ऐसी कोर्स ऑफ एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, किसी भी ऐसी कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं करना जो हमारी प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ा दे, जो जिसकी आउटकम एम्बिगुअस हो, जिसकी आउटकम एम्बिगुअस हो। जब एम्बिगुअस आउटकम होगी, अनसर्टेन आउटकम होगी, तो वो हमारे प्रॉब्लम को कम नहीं करेगी, बल्कि हो सकता है कि वो हमारे प्रॉब्लम को बढ़ा दे। तो हमने कभी भी ऐसी नहीं लेनी कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। आपने जब भी कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है, पनिशमेंट वाले फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो आपने एक्सट्रीम नहीं लेना, ऐसा एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना कि जो किसी की मतलब अगेंस्ट चला जाए। फौरी तौर पर एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने मोरालिटी को और मतलब एथिक्स को दूर रखना है। इस तरह के कोर्स ऑफ एक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने लॉजिक से काम लेना है, और आप यहाँ पर एज अ पर्सन किसी सिचुएशन का मसला हल नहीं कर रहे, ठीक है, किसी एज अ पर्सन आप इसको नहीं देखेंगे, बल्कि आपको मैंने ऊपर एक बात की कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मतलब इंस्टीट्यूट जिसको ये इशू आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलें अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एज स्टेटेड इन द रीसेंट सेंसस रिपोर्ट, द मेल टू फीमेल रेशियो इज अलार्मिंग लो। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी, ठीक है, मर्दमशुमारी की रिपोर्ट से ये चीज़ पता चली कि जो फीमेल से मेल की रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसिस टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। देखिए मेरी बात सुने, क्या मर्दमशुमारी करना आसान काम है? मर्दमशुमारी तमाम कंट्री के अंदर तमाम लोगों को काउंट करना, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बहुत से लोगों को इधर जॉब पर लगाया जाता है, बहुत सारे कामों को मतलब स्टॉप किया जाता है, ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि दोबारा से इसको कंडक्ट किया जाए, बल्कि जब इसको कंडक्ट किया जाता है तो अपनी यानी हम कह सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन तो बिल्कुल इलॉजिकल है, और मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। जबकि द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू इनकरेज पीपल टू इम्प्रूव द रेशो। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे, ठीक है। अब वो किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करेगा? फीमेल टू मेल रेशो कम हो रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो फीमेल्स को एबॉर्शन से रोके, ठीक है, एबॉर्शंस और मतलब प्री डेथ जो बच्चों की करवाई जा रही है उससे, उसके अगेंस्ट एक्शन ले, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके हम लोग इस कोर्स ऑफ एक्शन को कंसिडर कर सकते हैं कि बिल्कुल ये कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए ठीक है, जबकि पहली कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल गलत है। तो ओनली टू फॉलोज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर टू को देखें, क्वेश्चन टू में आपको कहा जा रहा है, एज स्टेटेड इन द, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लेते हैं। देखें,
A large number of people die every year due to drinking polluted water during the summer. ठीक हो गया? Course of action. The government should make adequate arrangements to provide safe drinking water to all its citizens. बिल्कुल. Yes, exactly. The people should be educated about the dangers of drinking polluted water. ठीक है? बिल्कुल. एक तो लोगों को साफ पानी मुहैया करवाना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए. यस, बिल्कुल, कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट है कि लोगों को किस तरीके से साफ पानी की तरफ खुद को लेकर जाना है और वही पीना है, और किस तरह से ड्रिंकिंग वाटर जो है पोल्यूटेड, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है, क्या मतलब बैड इफेक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है. तो हम कहेंगे कि एग्जैक्टली बोथ वन एंड टू फॉलोज. आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो हमें पता चलता है कि अ रीसेंट स्टडी चिल्ड्रन बिलो द 5 डाई इन द सिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मेनली फ्रॉम डायरिया एंड पैरासिटिक इंटेस्टाइनल वॉर्म्स. कोर्स ऑफ एक्शन, फर्स्ट, गवर्नमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स टू इम्प्रूव द हाइजेनिक कंडीशन इन द सिटीज. एग्जैक्टली, देखिए डायरिया और पैरासिटिक इंटेस्टाइनल वॉर्म्स गंदगी की वजह से फैलते हैं, ठीक है, गंदे पानी की वजह से, गंदी खुराक की वजह से. तो बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाइजेनिक कंडीशंस को प्रॉपर मतलब देखें और कंसिडर करें. चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स इन द सिटीज ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी केप्ट अंडर पीरियोडिक मेडिकल चेकअप्स. देखें अब ये चीज फैल रही है, ठीक है, तो चाहिए हुकूमत को कि वो हर 5 साल वाले बच्चों का प्रॉपर चेकअप करे ताकि वक्त पर सिम्टम्स का पता चल सके, वक्त पर बीमारी की तशखीस हो सके और उसका इलाज किया जा सके. तो बिल्कुल दोनों कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो हम लिखेंगे कि 1 एंड 2 फॉलोस, ठीक है, या फॉलोस. आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें अपना. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, स्टेटमेंट है, द चेयरमैन स्ट्रेस द नीड फॉर मेकिंग एजुकेशन सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल एंड रिग्रेटेड दैट द करिकुलम हैज नॉट बीन रिवाइज्ड इन कीपिंग विद द पेस ऑफ द चेंजेस टेक्स प्लेस. ठीक है, यानी चेयरमैन इस चीज पर जोर दे रहा है कि कितनी जरूरत है कि एजुकेशन सिस्टम एक फ्लेक्सिबल सिस्टम हो जिसके अंदर चेंजेस की जा सके. उनको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि करिकुलम जो है वो रिवाइज ही नहीं हो रहा, जबकि जो चेंजेस का पेस है वो इतना तेज है कि मुसलसल कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रही हैं. एक्शन पहला क्या है कि करिकुलम शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड पीरियोडिकली. ठीक है, बिल्कुल करिकुलम को रिव्यू रखना चाहिए और रिवाइज रखना चाहिए पीरियोडिकली, ये इसके के लिए कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक है. सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल, बिल्कुल, क्योंकि विद द पेस ऑफ चेंजेस जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल होगा तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो अच्छा चल पाएगा. ठीक है, तो बिल्कुल बोथ 1 एंड 2 फॉलोअर्स. ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये premed.pk की तरफ से अरेंज किया गया लेक्चर, जो कि हमने अपने PMDC के 3 टॉपिक्स को कवर किया है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने अगले 3 टॉपिक्स को इसी तरह भी ट्रिक्स एंड टिप्स, फाइनल ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ लेकर आएंगे. तो बच्चों आपने ज़रूर इसको देखना है, मुझे 100% उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये लेक्चर देखने से आपकी एक तो प्रॉपर रिविजन हो जाएगी, प्लस प्रैक्टिस रिविजन भी हो गई, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो गई. एक नॉर्मल आपको एक चीज़ पता चल गई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि 58,000 क्वेश्चंस में से मैंने आप लोगों के लिए प्री मेट के क्यू बैंक से यहाँ पर 15 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया. ठीक है, और अब क्या करेंगे हम अगले लेक्चर के पार्ट 2 में अपने जो 3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं इस PMDC के 6 टॉपिक्स में से, उनको इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ एक्सप्लेन. तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से देखें, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को रिवाइज रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. हमारी प्रीमेट की तरफ से आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सबके हामी वो नासिर हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.